हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोस देखनी है, अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है एनालॉजी से, तो यहाँ पे किस तरीके से कोड किया गया है, इसको CTPN को DSQM में कोड किया गया है, ठीक है। MUSK को किस तरीके से कोड किया जाएगा, चार ऑप्शन आपके पास है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ इसमें रिलेशन फाइंड आउट कर पाए तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो इनके बीच में रिलेशन क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, प्लस वन और माइनस वन चल रहा है। देखिए सी में मैंने प्लस वन किया तो डी आ गया, यानी कि नेक्स्ट वाला, और टी में से माइनस वन किया तो एस आ गया, ठीक है। पी में फिर प्लस वन किया तो आपका क्यू आ गया, और एन में प्लस वन, ठीक है, माइनस वन, फिर प्लस वन और फिर माइनस वन। तो माइनस वन करेंगे तो आपका एम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वन माइनस वन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्लस वन करेंगे तो आपका एन आ जाएगा, माइनस वन करेंगे तो आपका टी आ जाएगा, एस में से प्लस वन करेंगे तो फिर आपका टी आ जाएगा, और के में से माइनस वन करेंगे तो आपका जे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, NTTJ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको लुप्त संख्या यानी कि ये वाला निकालना है। तो जब भी इस तरीके से आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें आपको ये देखना होता है कि जो बाहर वाली संख्या इसके रखी है, कुछ ना कुछ इनका रिलेशन बन के ये वाला आपका आ रहा होगा, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या चल रहा होगा ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, देखिए 15 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दूँ तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 में से और 8 को माइनस कर दूँ तो 2 आएगा, तो 7 × 2 = 14। फिर उसी तरीके से यहाँ पे 9 में से 5 को माइनस कर दूँ कितना आएगा, 4। 8 में से 6 को माइनस कर दूँ तो 2, तो 4 × 2 = 8। इसी तरीके से यहाँ पे मैं इसको माइनस करूँ 6 में से 4 को तो 2 आएगा, ठीक है। 11 में से 8 को माइनस करूँ तो 3 आएगा, तो 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पे सीरीज चल रही थी, लुप्त संख्या आपने निकाल ली और आशा करता हूँ कि समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डायरेक्शन से, तो इसमें क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं। पूर्व की ओर मुंह करके आप खड़े हैं, ठीक है। अब बाएं मुड़े तथा 20 मीटर चले, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चले, अब अपनी बाईं तरफ 50 मीटर दूरी तय करें, तो अब आप प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे इन्होंने बोला है क्वेश्चन में, पूर्व की ओर मुंह करके आप खड़े हैं और बाएं मुड़कर 20 मीटर चले। देखिए पूर्व की ओर अगर आप मुंह करके खड़े होंगे तो मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, तो पूर्व की ओर यहाँ पे आप मुंह करके खड़े हैं तो बाएं मुड़ेंगे, ठीक है। तो बाएं मुड़ने के बाद में आप 20 मीटर चले, तो यहाँ से आप बाएं मुड़ेंगे, कौन सा आपका लेफ्ट साइड कौन सी होगी। देखिए अगर आपका ये इस डायरेक्शन में फेस है तो लेफ्ट साइड ये होगी, बाएं इस डायरेक्शन हो जाएगा, तो आप 20 मीटर यहाँ पे चले, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं क्या बोला गया है। फिर बोला गया, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चले, अब अपनी बाएं तरफ 50 मीटर दूरी तय करें। यानी कि आपने यहाँ से तो बाएं ले लिया, ठीक है, यहाँ से बाएं लेने के बाद में 20 मीटर चले, फिर बाएं मुड़कर 50 मीटर चले। अब मुझे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं आप, यहाँ से चले थे, इस डायरेक्शन में मुँह था, यहाँ पे आपने फर्स्ट लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। अब ये पूछा कि किस डायरेक्शन में खड़े हैं, तो डायरेक्शन अभी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से देखनी होती है, ये तो पूछा है। तो अब आप प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था तो ये वाली सिचुएशन आपके यहाँ पे मतलब बन जाएगी, ठीक है। तो ये वाली कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम ये आपकी दिशा हो जाएगी और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने ये वाली लाइन जो क्रॉस करके आगे आ चुके हैं इस वाली लाइन से, अगर आप यहीं पे 20 मीटर तक ही आते तो आपकी ये वाली जो दिशा हो जाती पश्चिम हो जाती, बट आप इस 20 को अगर जरा भी पार करके आते हैं, यहाँ पे 30 होता 40 होता तो आप दक्षिण पश्चिम दिशा में आ चुके होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बोला गया है इसमें दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा, यानी कि क्या होगा यहाँ पे आपको बताना है। तो इनके बीच में रिलेशन चल क्या रहा है वो देखते हैं। तो रिलेशन चल रहा है आपका प्लस टू का, ठीक है। तो प्लस टू का किस तरीके से चल रहा है वो देख लेते हैं। देखिए M से प्लस टू करेंगे तो O, L में प्लस टू करेंगे N और A में प्लस टू करेंगे तो C, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है, O में प्लस टू करेंगे Q, N में प्लस टू करेंगे तो P, C में प्लस टू करेंगे तो E। उसी तरीके से Q में प्लस टू करेंगे S, P में प्लस टू करेंगे R और E में प्लस टू करेंगे G। उसी तरीके से आपको यहाँ पे देखना है, प्लस टू करेंगे S में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा U, ठीक है। R में प्लस टू करेंगे तो T और G में प्लस टू करेंगे तो I, तो UTI आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 49 छात्रों की कक्षा में रमेश का रैंक 18वां है, अंत में उसका रैंक क्या है, अंत में उसका रैंक क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, आपको डायरेक्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 49 प्लस 1 करना है और माइनस 18 कर देना है, तो कितना आएगा 50 में से 18 यानी कि 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट थोड़ा सा समझते हैं इसका 32 राइट आंसर कैसे हो गया। ठीक है, 49 बताया जा रहा है, 49 टोटल छात्र हैं एक कक्षा में और वे इस तरीके से बैठे होंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है रमेश की रैंक 18वीं है, तो रमेश की रैंक मान लीजिए यहाँ पे 18वां है, तो बोला जा रहा है अंत से उसका रैंक क्या होगा। तो मैंने इसमें प्लस वन करके 18 इसलिए माइनस किया है कि यहाँ पे इसकी रैंक जो है ना 18वीं ये भी माइनस हो जाएगी। अगर मैं डायरेक्ट इसमें से 18 को माइनस कर दूं तो इसमें से इसकी ये भी रैंक माइनस हो चुकी है, अभी इसका जो मतलब रैंक पूछी जा रही है वो भी माइनस हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें इसलिए इसमें प्लस वन भी करना पड़ता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए इनके बीच में आपको सबसे पहले रिलेशन पता होना चाहिए, तो आप इसको इजीली निकाल लेंगे कि पहले वाले में रिलेशन क्या था तो नेक्स्ट वाले में क्या रिलेशन बन सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई में से माइनस किया गया है। जैसे यहाँ पे 9 की 10 में करेंगे 90, ठीक है, 8 चौक 32, तो 32 को माइनस करेंगे 90 में से कितना आ जाएगा, 58 राइट आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से 15 की 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, ठीक है, और 8 की 9 में करेंगे कितना हो जाएगा, 72, तो माइनस 72 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 78, ठीक है। तो 78 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक ये सीरीज है और इस सीरीज में आपको बताना है कि इनमें से कोई, मतलब जो सीरीज चल रही है सीक्वेंस वाइज, उसमें कोई संख्या यहाँ पे गलत है वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए, बाकी इसमें क्या चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे चल रहा है प्लस टू प्लस थ्री। जैसे अगर मैं इसको अभी हटाता हूँ यहाँ पे, देखिए वैसे इसमें प्लस टू होना चाहिए, प्लस टू होके यहाँ पे 9 आ जाएगा, इसमें प्लस थ्री करेंगे 12, प्लस टू करेंगे 14, प्लस थ्री 17, प्लस टू 19, प्लस थ्री 22, प्लस टू आपका 24। तो यहाँ पे आपका 9 आना चाहिए था ना कि 10। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अब मैंने तो डायरेक्ट बता दिया, तो आप इसको इतने का हटाइए, फिर यहाँ से चलिए प्लस टू था प्लस थ्री था, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, इसको भी हटाना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू, तो इस तरीके से सीरीज आपको पता चल जाएगी। तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें यहाँ पे प्लस टू आना था और यहाँ पे गलती से प्लस थ्री कर रखा है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। ये प्रश्न आकृति आपकी उत्तर आकृति ये है, इनमें से आपको देख करके यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे दे रखा है इस तरीके का एरो का साइन जो दे रखा है, और ये नेक्स्ट वाले में डबल कर देगा और इसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कर दी गई है। तो इससे हमें पता चल गया कि हमें करना क्या है, जैसे ये दे रखा है इसको डबल होने चाहिए और इसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, यानी कि ये नीचे को है इस तरीके से कट, ये कट ऊपर को होने चाहिए। तो देख लेते हैं, ऑप्शन को डिस्कार्ड करते हैं। जैसे ये दो तो हैं बट इनकी जो डायरेक्शन है नीचे की है, ठीक है ना, जैसे ये था, बट इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऊपर की होनी चाहिए, तो ये हट जाएगा, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर अगर सी के ऑप्शन की बात कीजिए तो सी ऑब्वियसली सीधी सीधे से नज़र आ रहा है कि राइट आंसर है, बट फिर भी नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल अलग ही फिगर है, इससे कोई मैच नहीं कर रहा है।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में अभी भी, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे त्रिभुज है जिसमें आपके तीन मतलब कोने हैं और नेक्स्ट वाले में चार हैं। तो इससे हमें पता चल गया तीन कोने से चार हो गए। यहाँ पे आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है तो नेक्स्ट वाले में आपके 6 होने चाहिए। तो 6 इनमें से कौन से हैं, तो देख लीजिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब ये 1 2 3 4 5 6 6 तो हो गए, बट इसमें ये एक्स्ट्रा कुछ अलग से ही आ गया, तो इस हमारी मतलब फिगर भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष से भी देख लेते हैं। यहाँ पे कथन दिया गया है, हम कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं। एक विज्ञापन, यानी कि एक विज्ञापन है, एक एडवर्टीजमेंट है जिसमें बोला गया है कि हम कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं। पूर्व धारणा इसमें क्या क्या है, लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग में रुचि रखते होंगे, तभी एक विज्ञापन कराया गया है। ठीक है, अगर मतलब ऐसा कुछ नहीं होता तो विज्ञापन का कोई मतलब भी नहीं होता। तो आपका पहले वाला राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे वाला है, लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं। तो विज्ञापन में जो चीज़ें बोली गई हैं, ठीक है, जैसे कथन में आपका जो बोला गया हम कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं, इसका मतलब कि लोग ऐसी ट्रेनिंग चाहते होंगे, सबसे अच्छी ट्रेनिंग चाहते होंगे, तभी ये विज्ञापन में बोला गया है। ठीक है, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कथन निष्कर्ष के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, बस उनमें आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना होता है कि कथन में क्या बोला गया है और निष्कर्ष में या पूर्व धारणाएं में क्या बोला गया है। एक तो वो दोनों के दोनों मैच करने चाहिए। अगर मतलब कथन में कुछ और बोल दिया जाए और निष्कर्ष में कुछ और बोल दिया जाए, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है, वो तो आपका राइट आंसर कभी भी नहीं बन सकता। फिर अगर बात की जाए, उसका मैच भी होना चाहिए और वो एक स्टेप आगे होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि उसका निष्कर्ष कुछ निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलना चाहिए। ये नहीं कि वो उस कथन में से ही कोई लाइन उठा के नीचे निष्कर्ष में लिख दी जाए, तो वो आपका कभी नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी। इस वीडियो में थे सारे जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। और अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।